हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि व्रत है, हम लोग तरह तरह के फलाहारी बनाते हैं, तो आज मैं साबूदाने का बड़ा बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। इसमें हमने समझ समझ के एक एक इंग्रेडिएंट्स डाला है जो कि फास्टिंग में खाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें जो चीज नहीं खाया जाता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के सामने इससे भी बेहतरीन करने का। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमने 100 ग्राम साबूदाना को पानी से धो के 2 घंटे तक इसे सोख करके रख लिया था। तो आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। फिर हम इसको स्टेन कर लिए हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 आलू ले रहे हैं। आपकी आलू बड़ी साइज की हो तो 2 लीजिए, नहीं तो 3 कर दीजिए। आलू को हम अच्छे से मसल देंगे, या तो आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर लीजिए, लेकिन बड़ा मसलने पे भी तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक, यहाँ पे हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, हमने 5-6 कड़ी पत्ता को बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे, यहाँ पे आप लाल मिर्च खाते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं, पर व्रत के लिए कोई कोई अलग अलग तरीके से यूज करता है, कोई हरी मिर्च कोई लाल मिर्च, तो आपको जैसा पसंद है वो डालिए। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। फ्राई होने के बाद जीरा का टेस्ट बड़े में बहुत सुंदर आता है। अब इसके बाद हम 1 कटोरी सिंगदाना को रोस्ट करके उसका छिलका हटा के दरदरा कूट लिए हैं, उसे भी इसमें डाल देंगे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा मोटा रहता है तो बड़े के साथ खाने में अच्छा लगता है, इसे भी हमने डाल दिया। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे नमक हम सेंधा डालेंगे क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। अगर आप ऐसे पकौड़ा बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक यूज कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मैसेंगे। इसे एक डो के फॉर्म में तैयार करना है हमें। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये अपना साबूदाना बड़ा का डो तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख लिया है। तो यहाँ पे हम मूंगफली का तेल यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सब जगह पे मूंगफली फास्टिंग में खाते हैं, यानी कि व्रत में, तो उस तेल का पकौड़ा भी हम लोग खाते हैं। अगर आप घी का खाते हैं तो यहाँ पे घी यूज कर लीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे तेल यूज किया है। तो हम अपने मनपसंद साइज के डो को निकालेंगे ऐसे थोड़ा सा हाथ से गोल करके, फिर हम इसे प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बड़ा तैयार हुआ है, और इसे हम ले चल के तेल में धीरे से छोड़ देंगे। तो ऐसे हम तेल में छोड़ देंगे और ऐसे ही पकौड़े बना बना के हम तेल में डालते जाएंगे। तो देखिए हम इसी साइज के बड़े पकौड़े, जो भी बोलिए, डाल रहे हैं। एक बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। हाँ, इसमें आप जो कुछ नहीं खाते हैं व्रत में उसे स्किप कर दीजिए, लेकिन हमने जो यहाँ पे जो यूज होता है वही इंग्रेडिएंट्स कोशिश किया है डालने के लिए। तो एक बार में जितने बड़े आ सके उतने हमें तेल में छोड़ देना है। एक साइड से हम अच्छे से सिकने देंगे, फिर इसे उलटेंगे। एक साइड से हमने बड़े को 3 मिनट तक सेक लिया है। अब हम इसे टर्न कर रहे हैं।
तो आप देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर हो गया है। सभी बड़े को हम इसे उलट लेंगे, दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही सेक के फिर आपको बताएंगे। दोनों साइड से हमने उलट उलट के बड़े को सेक लिया है। अब हम एक एक करके इसे प्लेट में निकालेंगे। तो आधा मिनट लिए टेढ़ा कर लेंगे, इसे एक्स्ट्रा तेल गिर जाता है। ये बड़े में एक एक व्हाइट में एक एक स्वाद आता है, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया है। ये व्रत के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होता है। तो ऐसे ही हम बाकी के भी बैस फ्राई कर लेंगे। तो ऐसे हम बड़े को डालते जाएंगे। फ्राई कर लिया है तो चलिए इसे उलट के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सुनहरा कलर आ गया है। ये पहला वाला बड़ा है, फिर हम दूसरे को ऐसे टर्न कर लेंगे। ये बिल्कुल नहीं चिपकता है और फूलता भी बहुत ही बढ़िया है, खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा ही। तो दूसरे साइड से भी हम सेक लेंगे। हमने पकौड़े को दोनों साइड से उलट उलट के सेका है। इसका कलर आपको बता देगा कि कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। जब भी आप तलें इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन दिखने लगे तो समझ जाइए कि पकौड़ा फ्राई हो चुका है। हमने सभी बड़े फ्राई कर लिए हैं। अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हम एक एक बड़ा ऐसे सजाएंगे। साबूदाना बड़ा बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। तो ये व्रत का बड़ा तैयार हुआ। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और खाने से मज़ा तो खिलाने में आता है। तो आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।